मार सारे भारतीय 13.5 करोड़ गुरु भाई जय सेवालाल पलके पलके बचाओ सुभाष चव्हाण। आज हम कहीं कर भागत हो जो न्यू दिल्ली में लक्की साहब बंजारा जयंती बनी अपनों जो डॉक्टर उमेश यादव MP भैया हनुज कामार ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार भैया नेतृत्व में जो जयंती बनी वो घो भारी धमाका कार्यक्रम हुए बत कायमार अपन जो जो गदगदी सावित्री बाई आई थी हनु कामार आपन समाजेर हरेक क्षेत्र की कामार नायक कारभारी डाये साणे नसाई हसाबी से आए थे वो जो तमें वीडियो दे रोज में ये वीडियो देखन तम ऑल इंडिया बजार सब ऑल इंडिया बजार संदेश टीवी सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो जय सवाल। एक गाना बोलू छू देखो मारो भूरिया का मागो भाई से ए दिल्ली रे सहारे मां मारो भूरिया का मागो Thank you.
जय शिवालाल भाई। तब हनु जी गायवाड़ छो अबे भाई सर एक बार जोरदार ताली अनुर बस आपनो कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए ये ऑडिटोरियम बनो ब्यूटीफुल संगण मोट सा ऊपर बालकनी खाली सा तो एक सीट छोटा नहीं एक मानस है तो कृपया करता ने का करतो नेशनल लेवल और इवेंट सा आपनो कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करनो लगी है। आप सभी जन कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से एक चेयर छोड़ के एक चेयर बैठेगा, ऊपर पूरा बालकनी खाली है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और जितने भी यहां पर मान्यवर आए हैं आप सभी का इस ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से सभी का Thank you.
आज हम पलके रात पलके हम कहते हुए जो मलक थी न्यू दिल्ली जो न्यू दिल्ली के जो भारतीय राजधानी छ अत आपन समाज लोक कामार हमले छ आपन यारी भेने काकी दादी नानी श्यामले छ हलो जो नायक कामारी से आए छ भाई एक समाज वास्ते लक्की साहब बन जा सेवा भाई वास्ते आज गीत लो भाई आज जो लक्की साहब बन जा वास्ते आओ भाई गीत ले रहा हो लो स्टार्ट करो भाई एक लक्की साहब बन जा वास्ते गीत लो सामने 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 वारे वाह वारे वाह वारे वाह हेलो हेलो नाचते हो एक नंबर एक नंबर एक नंबर गिव जाओ भाई गिव जाओ लक्की साहब बन जा रहा वाह बहुत हर बात हर बात हर बात हर बात आना 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 अंजी सानो बोलो बोलो भाई चार से चालीस तीन वर्ष इस जयंती उत्सव कहीं छ जो भारी अधूरी थी भारी आशय थी तम तम भरो मत जोड़ी आ तम भरो मत जय शेतरी कहीं छ जय सेवा से लक्की साहब बंजारा भाई रा अपन कोटि कोटि प्रणाम कर खानी पहला राम राम करके रानी के अपन गीत गाए थे हां भाई मारी राम रामे मारी राम रामे लक्की साहब भाई ना आ दो बापू सरागा थोड़ा Come on, 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 come on,
जयंती उत्सव प्रारंभ करगो जको लिंगैक्य डॉक्टर रामराव महाराज हर्द करले छ असे पवाड़ पुरुष आपण जातेरमई सेज आज चल गे छ अने आशीर्वाद ते काही छ काही केलो रामराव महाराज रामराव बापू गुरु नारे केरो रामराव बापू गुरु नारे धन्यवाद ये I'm
कल्चर हंसर एक भाई भेरेर वाया करन जाड़ी बातेर घरे मते कई तगड़ी भार काढ़े सर धनी घरेर मेरे सर जनाकस भाई बाईरी तगड़ी जारी तैयार उतरा 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 इन लोगों साइज में तू रख रही दादा हाँ एक पुरने काल दो आसे वीडियो कर रचो कर वीडियो कर रचो नहीं द्रो कहाँ से आए हैं हैदराबाद कहाँ एमपी कहाँ यूपी कहाँ तो आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन हियर मध्य प्रदेश से मोहन दामिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं थैंक यू हाँ जी सर हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर उपस्थित है श्री शंकर पवार जी AIBSS नेशनल प्रेसिडेंट एंड हमेशा बंजारा से बंजारा समाज का कोई भी काम में जब जब विघ्न आती है तो बंजारा समाज के हर्ता बन के आता है विघ्न हर्ता एक बार जोरदार ताली शंकर पवार जी के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के यहाँ पर उपस्थित है तो अगर बंजारा समाज के बारे में बताओ सर हमारा बंजारा समाज का एक बोली है एक भाषा है एक वेशा है और बंजारा समाज का कल्चर बहुत अपने आप में अनोखा है आज कृपया आप वक्त निकाल के देखिएगा हमारा कल्चरल एक्टिविटीज भी है यहाँ पे और हमारे सांसद जी जो डॉक्टर उमेश जी यादव है सारे हिंदुस्तान में बंजारा समाज का रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम कहते हैं युवा पीढ़ी कहती है लोग कहते हैं कि ये बंजारा का ब्रांड एम्बेसडर है तो एक बार जोरदार ताली डॉक्टर उमेश जी यादव जी के लिए ममता राठौड़ जी महिला मोर्चा से यहाँ पर उपस्थित हैं बंजारा समाज सर कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है अभी इनॉग्रेशन आदेश ही करेंगे लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूं बंजारा समाज के बारे में हमारी कम्युनिटी के बारे में लेकिन कीनोट एड्रेस करेंगे हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे मोस्ट हार्डवर्किंग एंड डायनामिक लीडर जिन्होंने पिछले इलेक्शन में बड़े नेता को उन्होंने धूल चटा दी है तो इस सारे उनको कीनोट एड्रेस करेंगे वन एंड ओनली वन मिस्टर उमेश जी यादव लोकसभा सांसद फ्रॉम कलबुर्गी कर्नाटक मुकेश शबाना जी भारत देश का राजधानी दिल्ली में अपना बाबा लकी शाह बंजारा की 443 जयंती मना रहे हैं इस कार्यक्रम में राज्य राज्यों से मुख्य अतिथि अधिकारियों और बंजारा कलाकारों और सब आए हुए हमारे भाई बहनों और माता पिताजी सबको आपका अपना अभिनंदन है बाबा रक्षिता बंजारा जी की अब एक गाना हो जाए रे 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 गोरु में हूँ यो जग
धन्यवाद भाई, एक बार जोरदार ताली के साथ। क्या जैसे कि त्या मिले स्पेशली गाना गाए सर दीदा ट्रेन एम्बेस्टान है कर्नाटका गजक। एक बार लाल भाई जय सेवालाल जय सेवालाल जय लक्की साहब बंजारा।
जय लक्ष्मी शाह बंजारा। यादियो तमार भी आवाज आनो आज घंटाडेर में बाबा लकीशा बंजारा कई छो एक जयंती सर में भण में लेतो सेज मार करे गोर भाइयो ये आपने मौका जर लान दिनो दिल्ली इन देखे अवकाश करन दिनो श्री डॉक्टर उमेश जाधव जी और सोफेर मई शंकर पवार ले दोनों भाई जो राम लक्ष्मण एक जोड़ी नहीं था जो बने ना कोटि कोटि कृतज्ञता करता ने बने मां धन्यवाद सर साउंड धन्यवाद एक तालियां मारो तालियां मारो तालियां सर शिवालाल महाराज की जय। प्रभाव है और चल रहा है जो हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिग लीडर डॉक्टर उमेश जी यादव जी के लिए तालियां तालियां तालियां। और संयोजक जो हमेशा साथ रहते हैं एमपी साहब के श्री शंकर पवार साहब जोर से तालियां 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 काम करते हैं। सर हमारे गेस्ट आने में और देरी है तो हम कार्यक्रम और एक आप चाहते हो अभी अभी भजन आप भजन का मीनिंग बताता हूँ। नॉर्थ वाले को हालांकि बहुत कम है जो थाली तबला और झांझे इससे जो भजन होता है कीर्तन होता है वो हमारे बंजारा समाज की बेसिक बुनियाद है। और इसके साथ में एक नगाड़ा होता है जो आज उपस्थित नहीं है लेकिन उसकी शोभा बड़ी होती है। और अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं हमारे सांसद जी हमारे बंजारा समाज के बड़े बड़े लोगों की सहायता से हिंदुस्तान में पहली बार हमारे स्वर्गीय संत शिरोमणि डॉक्टर रामराव जी महाराज की उपस्थिति में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वर्ल्ड लेवल का उन्होंने जयंती सेलिब्रेशन किया उसके लिए हमें नमन है और एक बार जोरदार तालियां। हम उस बात से इंस्पिरेशन होते हैं हम उस बात से मोटिवेट होते हैं कि बंजारा समाज के संत सेवालाल महाराज जी की जयंती हो रही है तो हमारे बंजारों के इतने बड़े योद्धा इतने बड़े लड़ाकू इतने बड़े व्यापारी और इतना बड़ा मैनेजमेंट था उनका बाबा लक्की शाह बंजारी जी बहुत बड़े मैनेजमेंट थे जो आज स्कूलों में कॉलेजेस में मैनेजमेंट में पढ़ाया करते थे। बाबा लक्की शाह बंजारा जी आज से 450 साल पहले उन्होंने एक एक चीज उन्होंने कर दिखाया है। कभी धर्म के लिए लड़े हैं मुगलों के सामने और अधर्म के सामने कभी झुके नहीं। हम उस योद्धा की इस जयंती को सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे पास डांस ट्रूप है बड़ा प्यारा है तो बंजारा सॉन्ग पे डांस करेंगे। अगर दिल्ली हरियाणा पंजाब से अगर कोई ट्रूप चाहिए तो हमें बताइएगा हम उनको यहां पर अवकाश देंगे। हमारे बंजारा बहनें वो एक दो मिनट का डांस करेगी। सावित्री बहन हम आपको और बुलाएंगे क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ेगी और लोग आना बाकी है। हमारे प्रमुख पामन जी ऑन द वे हैं। थैंक यू एआईबीएसएसएल प्रेसिडेंट उन्दुरो भी आगमन रोज भाई कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू मारी राम रामी सेवा लाले ना मारी राम रामी सेवा लाले ना आबो बाबू चलागा थोड़ा ना मारी राम रामी ओ मारी राम रामी सेवा लाले ना आबो बाबू चलागा जय सेवालाल जय सेवालाल जय लकीशा बंजारा जय लकीशा बंजारा। अभी मेरे भाई जो अभी जस्ट अपने को कहा लकीशा बंजारा के बारे में मैं गोरमाटी में बोलूं गोरमाटी बोलो बोलो भैया गोरमाटी में बोलूं हां गोरमाटी बोलो बाकी समझ में आएगा सबको हां आज हिंदी में बोलना हिंदी में बोलना तो आज जो भाई साहब ने कहा पूरी की पूरी हम सब बोलने वाले थे मन में तमन्ना थी वो तमन्ना पूरा है भाई साहब ही कह दिया अब बोले तो क्या बोले हमारे पास बचे कुछ। और मैं
माननीय उमेश जाधव जी का प्रणाम करता हूँ। गुरु जी बैठे है वहाँ पे, सब स्टेज पे सब बड़े बड़े नेता बैठे है, कार्यकर्ता बैठे है, उनको धन्यवाद कहते हुए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। और मेरे सामने माता, मेरे बहनें और भाई साहब जो भी बैठे हैं उनको प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन लोग बहुत टाइम से अपनी भाषण सुन रहे हैं, वो सबसे बड़े हैं, सुनने वाले सबसे बड़े हैं, उनको धन्यवाद कहता हूँ। भाइयों, आज अपन सब मिल के लकीशा बंजारा जी का जयंती कर रहे हैं। ये जयंती है 443वां। इस जयंती में हम सब मिल के हर देश के स्टेट के हर लोग, कोना कपके महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, हर स्टेट के लोग आए हैं, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। इनका जो शान बढ़ाया है आप, आज जयंती का शान बढ़ाया आप लोग का, उसका भी धन्यवाद कहता हूँ। भाइयों, आज उमेश यादव जी जो दो काम, यही तो कईयों काम किए हैं, पर ये समाज का जो गुरु जी का काम किए है, एक संत सेवालाल महाराज जी का, क्योंकि मैं और एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ने भी कहा है तो मेरा दिल चाहता है कि और एक बार दोहराना चाहिए। हमारे गुरु रामराव बापू जी थे, उनकी इच्छा थी ये सेवालाल महाराज की जयंती दिल्ली में होना चाहिए। और इतिहास में जब तक देश आजाद हुआ, जब तक किसी ने जयंती नहीं की थी सेवालाल महाराज की, वो जयंती उमेश यादव जी ने मन में लाए और वो बोले कि हम अब वो जयंती करना है, तो बोले तो साहब इतने लोग, कम से कम 15,000 लोग आना इतना इजी नहीं है, अपन तो मुंह हिला देते हैं, जबान हिलाने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है, वो करने वाला उमेश यादव जी है। कईयों बातें, कईयों सब कुछ, इतने लोगों को टांडा, गरीबों से गरीब टांडा को ला के यहाँ पे जयंती कराए। और सबसे बड़े बात तो ये थी कि हमारे गुरु रामराव बापू जी की इतनी तबीयत खराब, ये उस तबीयत खराब में होते हुए फिर भी वो जयंती वहां पे साजरा किए, जोत लगाए, ये उमेश जी जी का मेहरबानी है, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। आज हम सब बैठे हैं स्टेज पे, सब कुछ लोग हैं, बड़े मेरे भाई लोग हैं, गुरु जी है, सब कुछ है। आज उनके मन में और एक मन विचार आ रहा है, लकीशा बंजारा जी का जयंती करना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, एक खासदार जी को समय नहीं होता है मेरे भाइयों, एक पल पल का समय नहीं होता है, उनके मन में कितनी बड़ी विचार आई है कि भाई अपने को लकीशा बंजारा का जयंती करना चाहिए, कि आज तक किसी ने नहीं किया है। आज तक किसी ने किया है? नहीं 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 नहीं। आज वो आप इतिहास में हो रहा है, वो हो रहा है तो उमेश यादव जी को सुने जाता है। मैं ये कहता हूँ मन में, उमेश यादव जी आपके मन में ऐसे कैसे भावने आते हैं, इतनी शक्ति कैसे आपको मिलती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ इतने लोगों का आशीर्वाद है। उनके मन में मैं समझता हूँ 12 कोटी 14 कोटी बंजारा कहते हैं, उनका सब का आशीर्वाद उनके सब पे है। वो शक्ति जो है, अपने तो भगवान को देखा नहीं, हमने तो किसी ने भगवान को नहीं देखा, मगर आज उमेश यादव जी को हम भगवान के रूप में एक बार जोर से तालियां तालियां। आज उनके मन में आ गया कि जयंती करना है। मेरे भाइयों, लकीशा बंजारा जी के बारे में आप जितना भी कहेंगे, वो अक्का दीन कहे तो बहुत कुछ करना है। मैं दो बातें पे कहना चाहूंगा, आज अपनी संगठना, हजारों संगठना बन गई है। लकीशा बंजारा एक टांडे के बड़े गुरु, उसके साथ हजारों टांडे के नायक कारभारी चलते थे, एक जवान पे चलते थे, चलते थे कि नहीं चलते थे, पहले अपने नायक का बात सुनते थे टांडा में, चलते थे वैसे ही लकीशा बंजारे के साथ हजारों लोग साथ चलते थे, वो बैठो बोलो तो बैठते थे, उल्टो बोलो तो उठते थे, कारभारी नायक सब रहते थे उसमें, वो जब टीम चलती थी तो उसमें सब टीम रहती थी। मगर आज वो टीम उनकी थोड़ी सी भी, उनके बातों की थोड़ी भी धूल लेके अगर आप उन लोग सब संगठन वाले चले, तो उनके जैसा आप बहुत बड़ा काम कर सकते। क्या बात है, तालियां मारो एक बार। परंतु यहीं पे आप एक दूसरे को खेकड़ा होता है, वर्डा में खेकड़ा होता है ना, वो खेकड़ा एक दूसरे को खींचते जा रहे हैं, तो हमारा समाज कहां जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज
दिल्ली के जितने भी संगठन है, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, किसी को कहा नहीं गया होगा, किसी को बुलाया नहीं गया होगा, किसी का मन दुखा गया होगा, किसी को स्टेज पे नहीं बुलाया गया होगा, तो मैं उनका उनकी वजह से टीम की वजह से मैं उनसे माफी मांगता हूं, क्योंकि ये जो मतभेद होता है अपने समाज में ये नहीं होना चाहिए, और ये मतभेद के चक्कर में ही अपना समाज पीछे जा रहा है अंधकार। ये मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया गया और मुझे ये कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, ऐसा अपने समाज में बहुत सारे बातें होती है, तो उनके लिए मैं समाज माफी मांगता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि मन बड़ा रखिए, मन बड़ा रहने से हम एक साथ जुड़ सके काम कर सकते हैं, मन अगर बड़ा नहीं रहा तो हम साथ में काम नहीं कर सकते। आज उमेश यादव जी 14 करोड़ प्रतिनिधि का एक इंसान है, खासदार, अपनी आवाज मोदी जी तक पहुंचाता है। मैं एक कहना चाहूंगा, हर स्टेट के लोग यहाँ पे बैठे हैं, 26 स्टेट में बंजारा है, मैं ये चाहता हूँ मेरे 26 स्टेट के बंजारे उठो और जागो, और हमारा एक प्रतिनिधि हमें एक मंत्री पद देना चाहिए मोदी जी। एक बार तालियां प्लीज। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए। हमारे दुख सुख की बातें मोदी जी पहुंचाने वाले हमारे खासदार उमेश यादव जी हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ 26 के 26 स्टेट के बंजारों को आप लोग ने सब ने जैसे भाई मेरे बेटे हैं क्लिप डाला, जरा उठिए भाई साहब, इनका मैं धन्यवाद कहता हूँ। ये संत है मगर मोदी जी तक खबर भेजे, ऐसे मेरे 26 स्टेट के बंजारे अगर उठ के बोलते थे तो आज मोदी जी के कान तक आवाज जाती थी। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन आया है 26 स्टेट में, यूपी बिहार में स्टेट आया इलेक्शन होने वाली है, उस टाइम में आप लोग अभी से अगर आप कहेंगे तो मोदी जी के कान में आवाज जाएगी, हमारे बंजारों की कुछ बातें मान्य की जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोगों को। हमारे खासदार साहब कितने मेहनत करेंगे, कितने आवाज करेंगे, आप सब लोग अगर मिलकर एक शक्ति देंगे उनको तो सबसे बड़ी शक्ति होती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे भाइयों बहुत कुछ बोलने का है मगर सब लोग ने कह दिया, मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उमेश जी को मैं एक ही कहूंगा, ये हमारे समाज के आप पे इतने नजर रखते हैं, ये 14 करोड़ बंजारा या 12 करोड़ बंजारा आपके नजर लगा के रखे हैं, ये आप हमारे दुख सुख में काम में आते हैं, आज हर काम में हर चीज में वो अपना तमना नहीं समझते हैं भाई साहब। एक्चुअली संसद किधर के है, वो कर्नाटक के है, मगर पूरे देश के 14 बंजारा समाज के वो नेतृत्व भी देखते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। ये सब गुण हर खासदार में गुण नहीं होता है, ये कईयों हजारों में एक गुण होता है जो संत लोग को मानने वाले वो उमेश यादव जी है, इसलिए ऐसा संत होता है। नहीं मेरी संगत कुछ नहीं भाई, वो बहुत बढ़े हैं, तो ये ऐसे है। और मैं चाहूंगा जैसे लतीशा बंजारा जी ने जो जो काम किया, अगर अपन लोग उसके थोड़े से भी आज उनके नाम पे अपन लोग अपन कहते हैं दिल्ली में संसद भवन और बहुत कुछ आदि दिल्ली जो है लतीशा बंजारा जी की थी, अपने पास एक घंटा जमीन नहीं है अभी तक जो हजारों एकड़ जमीन उनकी थी संसद में आवाज, अभी जो चिल्ला रहे हैं खासदार, जो जो बड़े बड़े लोग चिल्ला रहे हैं वहां से सब हर स्टेट में बातें जाती है, उस संसद में रहने अभी जो सब भाई साहब ने कहा वो जगह ही अपनी थी, आज अपने जगह में एक घुंडा जगह अपने नाम के लिए है। मगर अभी भाई साहब आए थे प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष आए थे ना, उसने गुप्ता जी ने अभी कहा कि हम रोड का नाम देंगे और जगह दिलाएंगे। मेरे भाइयों दिल्ली के प्रतिनिधि को, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप लोग जब तक झोली लेके उनके साथ 10 बार नहीं जाओगे ये तुम्हारा कभी काम नहीं हो सकता। आप लोग एक टीम बनाओ, आप लोग सब मिलकर एक टीम बनाओ, जो आज गुप्ता जी ने जो 3 मुद्दे कहे हैं वो 3 मुद्दे को थैली पकड़ना है, एक संगठन बनाना है, ये मुद्दे के लिए सुबह उठ के जाना है, बस उसके पास ही जाना है। भाई साहब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, वो नक्की अपना काम हो सकता है। जब तक आज बोल के गए
और उनपे छोड़ दिए तो कभी काम नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि उनके पास हजारों काम रहते हैं, हजारों टेंशन रहते हैं। तो अपना एक टीम बनाना चाहिए, यहाँ के संगठन को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये टीम बनाएंगे आप लोग, और टीम बना के अगर रोज जाके काम करेंगे तो ये अपनी मांगे पूरी हो सकती है, ये मेरी विनती है। और ये दो बोल के मैं संपाता हूँ, जय शिवाला, जय शिवाला। मुझे पता है वक्त का बड़ा अभाव है, लेकिन क्या करे, भगवान भी इम्तिहान ऐसे लेता है। दोस्तों आपको शायद दिखी होगी, पिछले 3-4 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, लक्की शाह बंजारा जी ने ना ही अंग्रेजों से डरे, ना ही मुगलों से डरे, और उनको धमकी भी थी, अल्टीमेटम भी थी, और उनकी जयंती का साजरा डॉक्टर उमेश जाधव जी ने बिड़ा लिया है। ऐसा नहीं लगता है कुछ योगा योग है कि यही बात हुआ था उनके साथ में आज से 2-2.5 साल पहले कि तुम इतने छोटे नेता इतने बड़े नेता से आप लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे, लेकिन आज लक्की शाह बंजारा जी की वंशज उनके साथ लड़ा और विजय हुए और आज राजधानी में इतिहास बन रहे। दोस्तों सर नमन है आपको, आपकी हिम्मत को, और आगे बढ़ने के लिए हमें साथ चाहिए सबका, सबका साथ सबका विकास का ध्यान में रखते हुए नाउ इट्स अ टाइम कि फेक पूजा कर लेते हैं, और इसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी अपने कल्चर एक्टिविटी चलती रहेगी, एंड उसके बाद में असली झलक बाकी है। अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत का एक दो पन्ने निकाले हैं, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज है, और पूरी हिंदुस्तान की जो बंजारा की आज जो हब बन रही है आपके सामने पेश होने वाली है। जब हम आपको आज गुलबर्गा बुलाएंगे आप आओगे? जय शिवाजी। जो सुनता भाई आई से सुनता भाई का मार डॉक्टर में जादेव भैया का मार जो लकीसा बजाया का मार जो जो प्रस्तुत दिन का मार सम्मान करे से हम और साथ ते साथ जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष 100% जो को शंकर पवार भैया से और बोले का मार कोटि कोटि नमस्कार करे से वो का मार आज भी का आज 10 वर्ष से ऊंच रच कर हमारे पाता से जय शिवालाल भैया बोलो लकीसा बजरा की बोलो शिवालाल महाराज की। सभी मान्यवरों से हम निवेदन करते हैं, हमारे डीजी पवार जी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बाबा लक्की शाह जी के बारे में उन्होंने तो जो हम पलके बाद पलके कहते हुए जो मलक सी न्यू दिल्ली का देखो भारतीय राजधानी से अपनो जो धान सुरक्षण जो शिक्षण प्रेमी जो और समझता अच्छा पास लोग काम कर चाहिए नाम नरेंद्र राठौर कर बोल रहा तांडेरो एक महान महान एक नायक सर ई भाई हनु कैमार एक मिनट बैठ सुभाष भी सुभाष सर एक मिनट बैठो देखो एक मिनट बैठो अब बहुत इम्पॉर्टेंट है लास्ट सीन देखो ये जो सुभाष चौहान से कि सुभाष चौहान का जो कहा न्यू दिल्ली में सर आज जो प्रोग्राम के जो को सुभाष चौहान सर की सुभाष चौहान का हमारा जो आप अपनो जो भाषा से कतो भाषा के दौरान अपनो जो एम पी से वो भाई बजे का हमारा सुभाष जो चौहान से दी बातें करूँ प्रार्थना मांगा चाह भैया आज जो डॉक्टर उमेश यादव भैया जो जन्म नहीं तो हमारा आपस से एक को नहीं आते मतलब हम जो हम लोग सभी एक नहीं होते थे फिर भी आज डॉक्टर उमेश यादव जो जन्म लिया सेवालाल का अवतार लक्की साहब बंजारा का अवतार वो आज सब हमको लोग को एक बना है उस बारे में आप क्या मतलब वो दुनिया को बताएंगे। मैं जब ऐसा हमारे सांसद उमेश यादव जी दिल्ली में मना रहे थे पहलो काम जो करो से वो बंजारा समाज में इकट्ठा करने करो और बाद में सेवालाल जयंती मनाई से 2020 में और वो बाद में प्रण से कि हर साल जो बाबा रामाराव और डॉक्टरों को वो गुरु खुदो से ये दिल्ली में जादव जाके और गुरु दियो जला तो उन आदेश के अनुसार वो दिल्ली में जाकर थी पैदा की थी और अब तक सब सेवालाल ने जयंती मनाई 2020 अभी जो एक क्वेश्चन जो सेवालाल तो हम लोग ने देखा है मगर सेवालाल का अवतार भी ये भाषा को देख दे सकते नहीं वो आप क्या जो लकीसा बंजारा को तो हम लोग नहीं देखा है मगर लकीसा बंजारा का रूप में हम अपना भाषा को देखते हैं ये इसका जो नाम है जो उमेश जाधव जो कभी नहीं
गिरा था 1972 से जो मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे आदमी को गिरा के अपना बादशाह बना है, उसके बारे में क्या बना बोलेगा आप? मैं जो हमारे डॉक्टर उमेश यादव जी हाँ जो भारी भरकम नेता थे हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे हाँ लाखों लाखों से हाँ मात देकर हाँ जीत के आए वाले हाँ एक मात प्रचारा नेता थे हाँ तो डॉक्टर उमेश यादव से हाँ जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाई भाजपा हाँ अपनी जीत दर्ज कराई हाँ कब से गुड़िया 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 बंजारा समाज एक शक्ति से और बंजारा समाज के लिए एक राम एक सत्यवाला रूपये में सबसे ज्यादा रूप में सत्यवाला का पैदा हो से समाज ने एक करके जानिए पूरी स्टाडी बड़ी अच्छी है। आज अभी जो एक एक लोग क्या कहते जलते हैं पेट में, जो शंकर पवार और उमेश यादव को लपड़ा डालने को भी सोचता है, उस बारे में क्या करेगा? देखिए हाँ शंकर पवार जी तो काम कर रहे थे हाँ पवार इंडिया बंजारा सेवा संघ रहे हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ वेरी गुड और हम सब परिवार हाँ उन्हें अध्यक्ष मान के नाम लेगा हाँ और उन्होंने नेतृत्व जो कर रहे थे हाँ डॉक्टर उमेश यादव जी कर रहे थे हाँ पूरा इंडिया बंजारा सेवा संघ उन्हें नेतृत्व में काम कर रहे थे हमने नेतृत्व में काम कर रहे थे मैं अली का बंजारा सेवा संघ और नेशनल जन शक्ति हूँ थैंक यू और इजाफे से प्रॉम करा था बहुत थैंक यू। अब ये तेलंगाना से हमारा एक बहुत बड़ा आदमी है तेलंगाना से आया है सर नमस्कार। सो आज जो डॉक्टर उमेश यादव हम सब लोग को एक बना है उसके बारे में आप क्या बोले गए? बंजारा समाज हाँ पहले बार हाँ जो तीन अंग हाँ 5 MP हमारे राष्ट्र में के हुए थे हाँ तेलंगाना राष्ट्र के हाँ अभी तक कोई घरेलू हाँ कर्नाटक के पहले बार MP जीता नहीं दिल्ली में हाँ दी वर्षीय माई तीन वोटे प्रोग्राम लेता नहीं बंजारा समाज ने भारत देश में चतुर्वस्य समाज ने एकता करता ने जाति जागृत करता ने दशा दिशा तकाल रोजों अपन एकाएक बंजारा टाइगर उमेश जी यादव साहब उन्हें अपन जात सारी साथ दे और कार दे और उन्नति ने थोड़ा तक कर्म के कारण अपने सारे बंजारा जाकर प्रार्थना करते थैंक यू थैंक यू। तो आप लोग भाई कहेंगे सर हम एक जात एक वा समाज साथ आज एक बार उमेश यादव अभियान का हमारा जीतावा था और जो ये भारत देश में एक हमारा मंत्री बनावा था क्या थोड़ी बैठे मंत्री बनाओ थोड़ी क्या मंत्री बनाओ थोड़ी बैठे वाह मंत्री बनाओ तो भाई क्या थैंक यू जय साला दे भैया जय साला भैया मंत्री बनाओ थोड़ी तुम चिंचोली चिंचोली हाँ बनाओ थोड़ी थैंक यू भैया जय साला थैंक यू जरूरी हाँ थैंक यू सर भैया काल का